आयशा खातून तुम हो क्या? जी मैं हूं मलिका। तबीबा तुम्हें यकीन है या उम्मीद से है? यकीन है मलिका, आयशा खातून दो हफ्तों से उम्मीद से है। मुस्तफा। क्या हुआ वालिदा? बेटे, रब ने हमारी दुआ सुन ली, हमें नवाज दिया, हमारे गम और सदमे मिटाने के लिए हमें खुशी अता कर दी। तुम्हारी कनीजों में आयशा खातून उम्मीद से है। ये तुम्हारे लिए खुदा की एक नेमत है बेटे, एक तोहफा है। ऐसी दुख भरी रातों में एक उम्मीद की किरण अता फरमाई, खुदा का शुक्र है। दावेदार जनाब अब्दुल्ला के बेटे इब्राहिम पाशा मोहतरम, मुद्दई बहराम के बेटे सैफी साहब तशरीफ लाएं। दावेदार जनाब अब्दुल्ला के बेटे इब्राहिम पाशा मोहतरम, मुद्दई बहराम के बेटे सैफी साहब तशरीफ लाएं। नसुआ फंती, इब्राहिम पाशा के नुमाइंदे के तौर पर तुम बयान दोगे तो बताओ क्या शिकायत है? इब्राहिम पाशा के साथ नमाज तरावी के लिए जाना हुआ काजी साहब। नमाज खत्म होने पर मस्जिद से निकले तो मस्जिद के बाहर कुछ लोग इंतजार कर रहे थे और वो लोग पाशा मोहतरम के साथ हकारत से पेश आए। सैफी साहब भी शामिल थे क्या उनमें? जी हाँ। अच्छा, क्या कह रहे थे, क्या जुमले थे पाशा मोहतरम के बारे में? काफिर कह रहे थे ये काजी साहब, बुत परस्त कह रहे थे, और ये के पाशा मोहतरम अंदर से ईसाई हैं और सलेब अपने गले में डालते हैं, छुपकर कलीसा जाते हैं। इसी तरह के झूठे इल्जामात लगाए पाशा पर। पाशा मोहतरम, मौसफर खुशामदीद। आपके शाह फ्रांसवा कैसे? आफियत से होंगे अल्लाह के फजल से। हमारे शाह ठीक हैं, कोई परेशानी नहीं, वो आपकी जानिब से अच्छी खबरों के मुंतजिर हैं। हमारे मुजाकरात जारी रहेंगे और एक बेहतरीन फैसला किया जाएगा। पाशा मोहतरम, हमें यह सुनकर अफसोस हुआ, आपके खिलाफ दावा दायर किया गया है। मोसियोफोरे तुर्क सल्तनत कबायली अंदाज की नहीं, यहां कवानीन होते हैं, उसूलों पर किसी तरद्दुद के बगैर अमल किया जाता है, क्योंकि इंसाफ सिर्फ और सिर्फ इसी तरह कायम रह सकता है। सैफी साहब, आप क्या कहते हैं, नसू आफंती ने जो कहा वो सच है क्या? बिल्कुल सच है काजी साहब, पाशा मोहतरम काफिर हैं, सब लोग ऐसा ही कहते हैं, बल्कि महल के तहखाने में एक खुफिया कलीसा भी बना रखा है और इसके अलावा गैर मुस्लिमों से भारी मकदार में सोना लिया है, बहुत से लोगों का तो ये भी कहना है। ये बात छोड़ो, कौन क्या कह रहा है, तुम क्या कहते हो, क्या ये सब सच है? काजी साहब वल्लाह सब यही कहते हैं। क्या तुमने अपनी आंखों से देखा है, इसे साबित कर सकते हो क्या? नहीं, लेकिन महल के बागीचे में हर तरफ बुत खड़े हैं, जुमला आलम जानता है काजी साहब। अच्छा, तुमने पाशा मोहतरम को उन पत्थर के बुतों के आगे सजदा रेज होते हुए देखा है क्या? बिल्कुल नहीं देखा काजी साहब। अच्छा, तुमने मस्जिद में उन्हें अल्लाह के हुजूर सजदा करते हुए देखा है क्या? बिल्कुल देखा है। हाँ। अरे जाहिल इंसान, अगर ऐसा है फिर किस लिए चश्मदीदा पर नहीं और नादीदा पर यकीन करते हो? हमारे पैगंबर ने फरमाया है कि अगर कोई भी किसी को भी बिला वजह काफिर कहकर पुकारता है और वो शख्स काफिर ना हो तो वो अल्फाज उसी पर आते हैं, ये एक हदीस है, क्या तुम्हारे इल्म में नहीं है? काजी साहब, जहां आग नहीं होती वहां धुआं भी नहीं उठता कहा जाता है। अच्छा, तुम हकारत से पेश आए पाशा मोहतरम के साथ। मैंने एक दो जुमले कहे थे लेकिन हकारत नहीं की।
क्या बोला था, क्या कहा था? बताओ मुझे इब्ने आदम। याद नहीं काजी साहब। दूसरों की बातों को लफ्ज पर लफ्ज याद रखते हो तुम, लेकिन अपनी जबान से निकले हुए लफ्ज तुम्हें बिल्कुल याद नहीं है। खजीना, खुश आमदीद। मुकदमे का क्या हुआ, नतीजा मालूम हुआ क्या? नहीं, खबर नहीं आई कोई। इब्राहिम पाशा इस मसले से भी निकल आएंगे इंशाल्लाह। आपने ऐसा क्यों कहा? निगार वाला मसला मुझे क्यों नहीं बताया खजीना? इतनी अहम बात भी मुझे किसी और से सुनना रह गई थी। हुरम ने बताया होगा ना, मुझे अंदाजा क्यों ना हुआ। वो मेरे खिलाफ जहर उगलने का मौका हाथ से नहीं जाने देती। उसे कसूरवार मत ठहराओ खजीना। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदार हुरम नहीं हो सकती, कम से कम इस मामले में बिल्कुल नहीं। आपके आते ही उसने आपको अपना हामी बना लिया और आप उसकी चिकनी चपड़ी बातों से फौरन मुतासिर हो गई। मेरा हर किस्म वास्ता मत करो। मैं अपनी पूरी जिंदगी में किसी से मुतासिर नहीं हुई और ना ही किसी से मुतासिर हो सकती हूं। पाशा मोहतरम ने मेरा सर काटने का हुक्म दिया है, इसका उन्हें बिल्कुल भी हक नहीं है। ये नाजायज है, ये गुनाह है। मैं एक इज्जतदार दुकानदार हूं काजी साहब, सब लोग मेरा एहतराम करते हैं और इज्जत करते हैं मेरी। काजी साहब मुझे रिहाई दें ताकि मैं रोजी कमा सकूं। अगर तुम्हारा रोजगार होता तो तुम उसी में मसरूफ रहते। काजी साहब मैं बस अब खामोश रहो, खामोश। नसूर अफंदी, आप कुछ कहना चाहते हैं क्या इस हवाले से? नहीं काजी साहब। पाशा मोहतरम की जात और मकाम से तुमने जिस हकारत और नफरत का इजहार किया है उस पर वो गुस्सा करने में हक बजानेब है, लेकिन कोई भी खुद को कानून से बालातर हरगिज नहीं समझ सकता और कोई भी खुद को काजी नहीं समझ सकता और काजी बनकर अपनी तरफ से कोई भी किसी को सजा नहीं दे सकता। लिखें कातिब साहब, बहराम के बेटे सैफी साहब ने सल्तनत के वजीर आजम इब्राहिम पाशा को काफिर कहते हुए हकारत का इजहार किया और उन पर ईसाई होने का इल्जाम लगाया। गवाहों की मौजूदगी में उन्होंने सब कबूल करते हुए बयान भी दिया और इस सबब के तहत इनको 100 दुर्रे लगाने के बाद इन्हें रुदोश के जजीरे पर कैद किए जाने का हुक्म किया जाता है। रहम करें काजी साहब, मेरा यकीन करें, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। ये ज्यादती ना करें, मुझे मेरे बच्चों से अलग ना करें। ये सब पहले सोचना चाहिए था तुम्हें सैफी साहब। पाशा मोहतरम के बारे में कहा जाने वाला हर एक लफ्ज किसी भी सबूत के बगैर उस वक्त तक मुकम्मल झूठ है, इल्जाम है। कतन कोई भी ऐसी झूठी बातों का एतबार हरगिज़ ना करे। दावा अब खत्म हुआ, ले जाओ इसे। ऐसा ना करें काजी साहब, रहम करें मुझ पे, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे, खुदारा खुदारा माफ कर दे। आज के लिए इतना ही काफी है मौसी फरे, बाद में खबर भिजवा दूंगा आपको। जैसे आपकी खुशी। पाशा मोहतरम, इसके अलावा पिछली बार जो इस किताब का आपने जिक्र किया था वो मुझे मिल गई है। कौन सी किताब? मैकियावेली का शहजादा, आपके लिए फ्लोरेंस से मंगवाई है। जहाज एक दो दिन में बंदरगाह पहुंच जाएगा। आला, मैं काफी दिनों से सोच रहा था इस बारे में। पाशा मोहतरम, नसू अफंदी तशरीफ लाए हैं, भेजते हैं। पाशा मोहतरम, मौसी फोरे, आप मेरे खिलाफ दायर होने वाले मुकदमे का नतीजा जानने के लिए बेचैन हो रहे थे,
आपको मेरे हमरा जरा बाजार चलना होगा, वहां देख ले कि मेरे खिलाफ गुस्ताखी करने वाले काफिल का क्या अंजाम होता है। काफी हसास मुकदमा था उस्ताद जलेबी, हमेशा की तरह हुक्म सुनाते हुए आप किसी के रोब दाब में बिल्कुल नहीं आए, सिर्फ कवानीन और जमीर की रोशनी में आपने फैसला किया है उस्ताद जलेबी। मेरे आका, मैंने तो अपना फर्ज अदा किया है। दरअसल मैं आपकी कुशादा दिली पर शस्तर हो गया हूँ आका। इस मुकदमे से हर कोई समझ गया है कि जरूरत पड़ने पर वजीर आजम को भी अदालत में लाया जा सकता है। क्या आपकी रमजान शरीफ के लिए जारी करता हिदायत का सब एहतराम कर रहे हैं? कोई परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह। उमूमी तौर पर एहतराम किया जा रहा है आका, ना करने वाले सजा भुगत रहे हैं, लेकिन आपके इल्म में लाने के लिए एक खुसूसी मसला है। इस वक्त पाया तख्त में गोश्त की किल्लत पैदा हो गई है, कसाबों के सरबरा कसाब ने हमें वक्त पर खबर नहीं दी। ये कैसे हो सकता है काजी साहब? इस्तंबोल आपकी जिम्मेदारी है, किस तरह आपने तदबीर नहीं की? आका, सरबरा कसाब पर एतमाद करने का सजावार हूँ। कसाबों के सरबराह ने हमें इत्तला दिए बगैर इस कमी को अपनी तरफ से पूरा करने की कोशिश की, लेकिन मैंने अब तदबीर की है। कुछ ही दिनों में अतराफ की रियासतों से भेड़े पहुंचना शुरू हो जाएंगी आका। असल मसला क्या है? बोगदान वोए वदास के पेट्रो रारेश ने अपनी जिम्मेदारी सही नहीं निभाई आका। हर साल जितनी जरूरत होती है वो भेड़े उससे कम भेजता रहा। इस मसले पर दरबार में बहस करेंगे, मुझे तफसीली मालूमात फराहम करें। आपका जो हुक्म मेरे आका। मलिका, सिंपल आका बताओ, काजी साहब ने क्या फैसला सुनाया? मलिका, सैफी साहब को सजा सुना दी गई है, इब्राहिम पाशा बरी हो गए हैं। हम कोई भी कदम उठा लें, लेकिन इब्राहिम पाशा का बाल भी बीका नहीं कर सकते किसी तरह हम लोग। वो जादू के हिसार में हो जैसे। जादू से भी ज्यादा ताकतवर एक चीज और है मलिका, वो ये कि आका उनके पीछे खड़े हैं। इस फैसले के बाद इब्राहिम पाशा आवाम की नजरों में बिल्कुल सच्चे बन गए हैं। उनके मुतालिक जो बातें की गई उन्हें फरामोश कर दिया गया है। अयास पाशा को खबर भेजो फौरन, मैं मिलना चाहती हूँ उससे। आपका जो हुक्म मलिका। वज़ीर आज़म इब्राहिम पाशा तशरीफ ला रहे हैं। बहराम के बेटे सैफी को, इब्राहिम पाशा को किसी भी कुफर के बगैर उन्हें काफिर पुकारने पर, इन पर झूठा इल्जाम लगाने पर, अवाम के वज़ीर आज़म को अवाम के सामने बुरा भला कहने पर 100 दुर्रे लगाने की सजा सुनाई गई है। इसके बाद ये 5 बरसों तक जहाज में चप्पू चलाएगा। 5 बरस की सजा मुकम्मल होने के बाद इसे रौदोश भेज दिया जाएगा, जहां ये उम्र कैद की सजा काटेगा। इब्राहिम पाशा, तुमसे बहुत अजीम अल्लाह है। मलिका, आपको सुन रहा हूं। अयास पाशा, सूरत हाल बुरी है। इब्राहिम पाशा पहले से भी ज्यादा बाएतबार हो चुके हैं, अगर उनके खिलाफ फैसला सुनाया जाता तो वो संभल ही नहीं पाते।
जबकि अब उन्हें एक नई ताकत मिल चुकी है दोबारा से। लोग आरजी तौर पर खामोश हो सकते हैं मलिका, लेकिन वक्त आने पर दोबारा बातें सर उठाएंगी, क्योंकि इब्राहिम पाशा चाहे कुछ भी कर लें, उनके दुश्मन हमेशा उनके दोस्तों से ज्यादा रहेंगे। अयास पाशा, इब्राहिम पाशा के सबसे बड़े दोस्त आका खुद हैं, इसी वजह से वो अब तक सांस ले रहा है। आका पर कभी भी असली चेहरा बेनकाब ना हो सका उसका। मुझे यकीन है कि वो हकायक पोशीदा रखता है, हम उन्हें मालूम करके आका के सामने ला सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा मलिका, लेकिन याद रखें इब्राहिम पाशा नहायत मोहताद आदमी है, वो कोई सबूत नहीं छोड़ेंगे। हम यकीन से कुछ नहीं कह सकते, इब्राहिम पाशा की आंखों से इतना गुरूर छलकता है कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है उसे दिखाई नहीं देता। आयशा खातून। फरमाइए शहजादे। हमारे गमजदा दिनों में तुमने ऐसी खुशखबरी सुनाई है कि मांग लो जो चाहती हूं मुझसे। आपकी मंजूर नजर होना ही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। आला, खातून को कमरे खास में रखा जाए, उसूल जो कहते हैं उन पर अमल किया जाए पूरी तरह। उसके अलावा इनकी सेहत का खसूसी तौर पर ख्याल रखा जाए, क्योंकि इनकी सेहत हर चीज से ज्यादा अहम है। हर तरह की परेशानी से दूर रखा जाए इन्हें। आपका जो हुक्म। तुम जा सकती हो। तुम्हारी किस्मत बदल गई है आयशा, तुम्हारी किस्मत। आज के बाद से तुम बहुत एहतियात से रहना, खाने पीने में भी परहेज करना और बेकार इधर उधर मत घूमना। तबीबा जो कुछ भी कहें उन पर पूरी तरह अमल करना। आप फिक्र ना करें, मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगी। सहार काल्फा। फरमाइए फिदान खातून। आयशा खातून, शहजादे की मंजूर नजर हो गई है, इनके लिए खास कमरा तैयार करवाएं, किसी भी चीज की कमी ना हो, क्योंकि खातून उम्मीद से हैं। एक आगा और दो कनीजें इनके खिदमत में मामूर होंगी। अब ले जाओ इन्हें। फातिमा खातून, तुम क्या कर रही हो यहां, कमरे से बाहर क्यों आ गई? मलिका कैसे हैं? मोहतरम इब्राहिम पाशा, आपके हक में फैसला हो गया, आपको बचा लिया, क्या सुना है मैंने, मुबारकबाद कबूल करें। क्या हुआ, कहीं आपके ख्वाब चकना चूर तो नहीं हो गए? सारी मेहनत अकारत तो नहीं चली गई आपकी? आप क्या समझती हैं कि मुझे अपनी इन बेतुकी साजिशों से जेर कर सकेंगी? इब्राहिम पाशा, मुझे कुछ ज्यादा ही अजीम ख्याल कर रहे हैं आप। अगर ठोकर भी लगेगी तो क्या मुझ पर शक करेंगे, जबकि कोई आपको पसंद नहीं करता बल्कि नफरत करते हैं लोग आपसे तो। और आपने तो देख लिया होगा क्या सोचते हैं लोग आपके मुतालिक। अगर इस किस्म की बातों पर इतना एतबार करती हैं तो फिर अपने बारे में की गई बातों पर भी गौर करें। इस बनाए गए इदारे से आप फरिश्ता नहीं बन सकते। और हाँ, एक और बात, कौन क्या सोचता है क्या कहता है मुझे इसकी परवाह नहीं, बस आका की मोहब्बत ही काफी है मेरे लिए, बिल्कुल आपकी तरह। इब्राहिम पाशा, एक दिन जरूर यहाँ से जाना होगा, दोबारा कभी वापस ना आने के लिए जाना होगा। और इस बात में कोई शक नहीं, सिर्फ एक चीज के बारे में मैं सोचती हूँ कि आप जाएंगे कैसे यहाँ से, अपने कदमों पर या फिर लोगों की ठोकरें खाते हुए जाएंगे? आप बताइए कि आप किस तरीके को तरजीह देंगी।
इब्राहिम पाशा तो मुझे समझे नहीं अभी, शायद मेरा तो सिर्फ जनाजा ही जाएगा यहाँ से। मेरा भी। शहजादे, मुझे याद किया आपने। हाँ, एक जरूरी बात करनी है तुमसे। नूर बहार के मुतालिक मैं अपना इरादा बदल चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो माँ बन जाए। मुझे अफसोस है तुमने देर कर दी। क्या मतलब तुम्हारा? तुम्हारे हाँ कहने पर मैंने तबीबा को खबर भिजवा दी थी। आज सुबह सब कुछ हो गया। नूर बहार उम्मीद से नहीं है। अफसरदा मत हो, नूर बहार बिल्कुल ठीक है। मैं उसकी देखभाल कर रही हूँ। नूर बहार खातून, तुम तैयार हो? चलो खातून, दराज हो जाओ। मेहरमा सुल्तान भी आने वाली हैं। हमें फौरन ये काम करना होगा। शहजादे से मिलना चाहती हूँ मैं तबीबा। शहजादे का हुक्म है, क्या तुम हुक्म की खिलाफ वर्जी करोगी? रो मत, दराज हो जाओ, आओ। रो नहीं। या अल्लाह। किराज आगा। शहजादी, अगर इस बारे में किसी को भी कुछ बताया तो तुम्हारी जान ले लूंगी मैं। शहजादी, मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। अगर एक लफ्ज भी निकाला तो तुम्हारा सर कट जाएगा। तुम जा सकते हो। क्या कहते हो, भरोसा किया जा सकता है इस पे? ये शख्स अपने साये से भी डरता है। आप बिल्कुल फिक्र न करें शहजादी, मैं खुद इस पर हर वक्त नजर रखूंगा। ठीक है, कोताही ना करना। अयाज पाशा, कैसे हो तुम जलालजादे? मैंने सुना तुम यहां हो तो देखने आ गया। कोई परेशानी तो नहीं? नहीं पाशा, कल तक मुकम्मल करने वाले कुछ जरूरी काम थे। इब्राहिम पाशा ने आज फ्रांस के सफीर को तलब किया है। दुरुस्त है पाशा। मौसी फोरे ने क्या क्या तलब किया है? कागजात लाओ, मैं भी पढ़ लूं। जरूर पाशा। आओ। आका। आओ पारगली, तुम जा सकते हो। मेरे आका, मुझे याद किया आपने। थोड़ी देर में शहजादे आ रहे हैं। आज शब नमाज तरावी हम साथ पढ़ने जाएंगे। शर्फ होगा मेरे लिए। पारगली, क्या अब तक नाराज हो मुझसे? हरगिज नहीं आका। मैं कैसे नाराज हो सकता हूं? मैंने कभी भी आपके फैसलों के खिलाफ नहीं सोचा और सोच भी नहीं सकता। पारगली, अगर मैं आज अदालत में मुकदमा नहीं भेजता तो शायद तुम्हारे साथ कोई ज्यादती कर देता। तुम्हारे बारे में जो अफवाहें हैं वो एक बहुत तनावर दरख की सूरत इख्तियार कर रही थी। असल मसला उनकी बीखकनी का था और इस सूरत हाल से तुम्हें आगाह करना चाहता था।
मेरे आका, आपका एतमाद ही मेरे लिए सबसे बेशकीमत है। उसे खो देने से बेहतर है कि मैं अपनी जिंदगी खत्म कर लूं। आओ आका, शहजादे तशरीफ लाए हैं। आला, चलो। जलालजादे, फरमाइए पाशा। ये मुलाकात कब हुई थी? ये मुलाकात पुरानी है पाशा, आका जब मनीषा गए थे उस वक्त हुई थी। क्यों पूछ रहे हैं आप? कुछ नहीं, एक काम करो, इसकी एक नकल मुझे दे दो। जरूर पाशा। फातमा खातून, तो वो तुम थी? कौन? मेरे बच्चे को मारने वाली है, तुम ही थी ना, बताओ। नहीं, मैं कसम खाती हूँ मैंने कुछ नहीं किया। झूठ बोल रही हो। जान से मार मदद करे, क्या करे, मदद करे मेरी कोई। तुमने मारा है, मदद करे, तुमने कोई। मेरे बच्चे की जान ली है, हटो, मेरे बच्चे को मारा है इसने, छोड़ो, कातिल है ये, छोड़ो मुझे। जिसका खौफ था वही हुआ मुस्तफा। फातिमा ज़ेनी तवाज़ुन खो बैठी है। आयशा खातून की उम्मीद से होने का सुनते ही बिल्कुल पागल हो गई। जान से मारने लगी थी खातून को, बमुश्किल छुड़ाया। फातिमा को वापस भेजने के सिवा कोई चारा नहीं। वो अगर यहां रहेगी तो खुद को और इतराफ के लोगों को नुकसान पहुंचाएगी। हफ्सा सुल्तान शफा खाने भेज देते हैं, जब तक वो बेहतर ना हो वहां ख्याल रखा जाएगा। आका ने इसका मुताला किया है क्या? जलालजादे ने बताया कि नहीं किया। जाहिर है उन्हें इस फरमान की खबर नहीं है मलिका। अयास पाशा, शानदार काम किया। ऐसा लगता है कि आप पे भरोसा करके गलती नहीं की मैंने। आपकी नवाजिश है मलिका। अब मेरे लिए क्या हुक्म है? इब्राहिम पाशा खुद को शाहीन समझते हैं और मुझे एक कबूतर। उनके ख्याल में मैं कमजोर और लाचार हूँ और मैं उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकती। अगर वो मुझे कबूतर ही समझते हैं तो फिर ऐसी सूरत हाल में मेरा सिर्फ एक ही काम रह जाता है आस पाशा, खबर बाहम पहुंचाना। हाँ सुनो नसू अफंदी, आज हम अपने महल में अफ्तार पर सल्तनत की अहम शख्सियात को मधु कर रहा हूं। मैं तुम्हें भी वहां देखना चाहता हूं। मेरे लिए शर्फ होगा पाशा। पाशा मुहतरम। खुशामदीद काजी साहब। शुक्रिया पाशा मुहतरम। भेड़ों की कमी का तदारुक करने के लिए मैं आका से मुलाकात करने आया था। मुझे खबर है, हम साथ ही चलते हैं। अबू सऊद साहब, मेरे हक में जो आपने फैसला दिया है उसके लिए मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूं। मेरे फैसले का आपकी जात से कोई ताल्लुक नहीं है पाशा मोहतरम, मैंने तो सिर्फ और सिर्फ अदल और इंसाफ की नुमाइंदगी की है। आओ।
आका, खैर तो है अयाज पाशा, तनहाई आए हो क्या? काजी साहब क्या अब तक नहीं आए? मैं दूसरे मसले के हवाले से आपको बेआराम कर रहा हूं। कहो। आका, कल इब्राहिम पाशा और फ्रांस के सफीर के माबेन मुजाकरात की तफसील मालूम ना हो सकी, इस सबब से मैंने उसका मुताला किया। इस दौरान गुज़िश्ता मुजाकरात की तफसील भी नजर से गुजरी। आप जब शहजादे मुस्तफा मोहतरम से मुलाकात के लिए मनीषा तशरीफ ले गए थे, उस वक्त मुजाकरात का एक दौर हुआ था। मुझे खबर है, इब्राहिम पाशा ने मालूमात फराहम कर दी थी। तो फिर उनका यह फरमान आपकी नजर से गुजरा होगा। मसला क्या है पाशा? आपकी तवज्जो के लिए कुछ जरूरी कागजात हैं आका। यानी आपका बस चलता तो मुझे गरकाब कर देते, यही कहना चाहते हैं? पाशा मोहतरम, आप इसे मिजाज से काम ले रहे हैं। आपने आका को मुतासर करने के लिए फैसला किया। आपका मकसद जाहिर है, किस मुकाम की लालच में हैं आप? पाशा मोहतरम, मेरे लिए इंसाफ सबसे मुकद्दम है। मुझे अल्लाह ताला के आगे जवाबदेह होना है, वही मुझे मेरे फैसलों का अजर देगा। इंसाफ तो इसीलिए अपने बेटे को गोशे में छुपा कर रखा हुआ है आपने? किसी और का बेटा होता तो उसके कानों में कील ठुकवा चुके होते आप अब तक। ये इंसाफ है? आप जिसे इंसाफ कहते हैं काजी साहब, वो मैं हूं। मैं, सब कुछ मेरे हाथ में है। आप मेरे खिलाफ कोई फैसला कर सकते थे, क्या ये समझते हैं आप? देख लिया आपने, आका मेरे साथ है। अपने तहरीरी हुक्मनामे के जरिए मेरी हिफाजत करते हैं वो। मुझे कौन नुकसान पहुंचा सकता है बताइए भला? किसी खुशफहमी में ना रहें पाशा मोहतरम, बास इंसान ऐसे होते हैं कि जो खुद अपने नुकसान को दावत देते हैं। जैसे आपकी औलाद, यही इंतजार करें, मैं आका को खबर देता हूं। जानवरों में सबसे ज्यादा खूंखार शेर को ताकत से नहीं, जहानत से जेर किया जाता है। तरबियत देने वाला अव्वलन उसे प्यार से, धीरे धीरे खुद से मानूस करता है। उसका मालिक हर वक्त अपने हाथ में, उसे खौफजदा करने के लिए और अपनी हिफाजत की खातिर हमेशा एक छड़ी लिए रहता है। कोई भी अजनबी आदमी कभी भी उस शेर के खौफ से उसे खाना देने की हिम्मत नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ वो जिससे मानूस हुआ है वही उसे खाना खिला सकता है। वो सबसे ज्यादा ताकतवर शेर दरअसल सल्तनत का हुक्मरान होता है मोसियो। उससे कुर्बत रखने वाला एक वजीर होता है। दर हकीकत तुर्क सल्तनत एक जंगल की तरह है, और हमारे आका जो इस जहां के बादशाह है वो शेर है, और मैं उनका नुमाइंदा हूं। हकीकत यह है कि मैं अदल इंसाफ की छड़ी से काम ले रहा हूं। यह अजीम सल्तनत मैं संभालता हूं, और इसके तमाम अहम फैसले मैं ही करता हूं। हमारे आका जब कोई फैसला करते हैं, अगर उस पर मैं कोई भी एतराज करूं तो वो फैसला नहीं किया जाता। आका, इब्राहिम पाशा मोहतरम तशरीफ लाए हैं।
मेरे आका, काजी साहब गोश्त वाले मसले के बारे में मालूमात फराहम करने आए हैं। दरअसल मैं भी इस मसले की तहकीकात कर रहा हूँ। बोगदान और उदासी से जो भेड़े यहां पहुंची थी उन्हें लेहिस्तान में फरोख्त कर दिया गया, लेकिन यह मसला इतना सादा नहीं है। लगता है कि वो उदा फर्डिनेंड और शाकलैंड के साथ मिला हुआ है। आका, आप ठीक तो हैं? बाद में इब्राहिम, बाद में। जी जरूर। वो आज शाम सल्तनत की अहम शख्सियात को इफ्तार पर मदऊ किया है आका अपने महल में। अगर आप भी तशरीफ लाएं तो मेरे लिए बाहिस्त शर्फ होगा आका। मैं आऊंगा इब्राहिम। बाहर कैसे, इसके पास गए थे क्या? मैं गया था शहजादी, शुक्र है ठीक है, वो जल्द संभल जाएंगी। दोनों के लिए यही बेहतर था। क्या हुआ नूरबहार खातून को, वो अचानक बीमार कैसे पड़ गई? वल्लाह फीफा खातून, मेरा नाम मत लीजिएगा, लेकिन सूरत हाल वैसी नहीं जैसी नजर आ रही है। मैं परेशान हूँ कि क्या करूँ, बताऊँ तो मसला, ना बताऊँ तो मसला। बताओ है आदम, क्या हुआ? मैं बावर्ची खाने जा रहा था कि किस तरह बताऊं मैं। किराज आगा, शहजादी, शहजादी तुम क्या कर रहे हो यहाँ? अफीफा खातून, इसे इसी वक्त महल से निकाल दिया जाए, मैं इसे हरम में नहीं देखना चाहती। इसे कोई गुस्ताखी सरजद हो गई क्या? हुई है, इसीलिए तो निकाल रही हूं उसे। मेरी जान, मेरा प्यारा सा बेटा, ये लो जहांगीर, खा लो ना बेटा, रोजा रखने की अभी तुम्हारी उम्र नहीं आई है। मैं नहीं खाऊंगा। आइए अफीफा खातून। मलिका, शहजादे जहांगीर रोजा रखना चाहते हैं, आप बताइए रख सकते हैं क्या ये? हकीम कहते हैं कि अभी मुनासिब नहीं मलिका, अगले साल इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। नाजली, तुम जहांगीर को लेकर अंदर जाओ। अफीफा खातून, कोई मसला है क्या? मेहरमा सुल्तान, किराज आगा को वो महल बदर करना चाहती है मलिका, मैं मालूमात फराहम करने आई थी। ऐसा क्या हो गया? वालिदा। मेहरमा, क्या हो रहा है, क्या जरूरत पेश आ गई किराज आगा को निकालने की? मुझे बताए बगैर तुम ये फैसला कैसे कर सकती हो? हमें अकेला छोड़ दें। मलिका, कहो ऐसी क्या बात है? उसने जो किया अगर आपको मालूम होता तो आप भी निकाल देती। ऐसा क्या कर दिया उसने कि? तजली के बारे में जान गया था, अफीफा खातून को बताने से पहले मैंने पकड़ लिया। उसे कैसे मालूम हुआ?
मैं नहीं जानती। उसने ये बात जमरद आका से उगलवा ली, उसे फौरन भेजना पड़ेगा। वो आज नहीं तो कल किसी को बता देगा। अफीका खातून, फरमाइए मलिका। कि राज आखा को तराबजून भेज दिया जाए, वो आइंदा कभी भी महल में नजर नहीं आएगा। उसे बताएं कि जान बख्शी करने पर शुक्र अदा करे। हाय, ये अजान कब होगी कोई मुझे बताएगा? परेशानी क्या है, अभी बहुत वक्त है। सुम्बुल आगा, आज हालत ठीक नहीं लग रही तुम्हारी। हरम के कामों में भाग दौड़ के सबब ताकत ही नहीं रही कसम से। शकर आगा, तुम तो माशाल्लाह हो, सहरी में 3 महीनों का खाना खा लेते हो। आदम, तुम अपना पेट तो देखो, तोन कितनी मोटी है। तौबा तौबा, मोटा। सुनो क्रास आगा, तुम क्यों मंडला रहे हो हमारे सरों पर? भूख लगी है आगा, भूख लगी है। बिल्कुल नहीं, यकीनन कोई और मसला है तुम्हारे साथ। किराज आगा, फरमाइए। अफीफा खातून, अफीफा खातून, ऐसा क्या कर दिया है तुमने? हुरम सुल्तान ने निकालने का हुक्म फरमाया है तुम्हें। कहां भेज रहे हैं मुझे? सामान बांधो अपना, तराबजून वापस जा रहे हो तुम। शुक्र है खुदा का, अगर फांसी दे देती तो मैं क्या कर लेता। अफीफा खातून, ये क्या हो रहा है? क्या वाकई में जा रहा है ये मलून? तुम चलते बनो। आगा, मैं जा रहा हूं। कसम से बहुत दुख हुआ, इतना दुख हुआ कि मैं दुख से मर ही ना जाऊं। लग रहा है। किराज आगा, किया क्या है तुमने? तुम्हारा इससे कोई वास्ता नहीं है। चुप रहो तुम। किराज आगा, किराज आगा, ये सब छोड़ो, मुझे बताओ ऐसी क्या गलती की है तुमने? कुछ नहीं। कैसे कुछ नहीं है आदम, इतनी बड़ी हुरम सुल्तान को आखिर तुम्हारी किस बात पर इतना गुस्सा आ गया? जान बख्श दी है उन्होंने तुम्हारी, दुआ दो उन्हें। तुम बताओ क्या कहना चाहते थे मुझसे? कुछ नहीं अफीफा खातून, वैसे ही। है मेरे अल्लाह, तो मुझे सब्र दे। चलो जल्दी जाओ। आ जाओ। शहजादे मोहतरम, खुशामदी तशी अली, कैसे हो तुम? आपकी सलामती के लिए दुआगो हूं शहजादे। शहजादे, यहां पहुंचते ही मुझे एक बुरी खबर सुनने को मिली, अफसोस हुआ सुनकर। तकदीर इलाही, अल्लाह ने इतनी ही जिंदगी लिखी थी मेरी औलाद की। अल्लाह सब्र दे आपको। आमीन। तुम पाए तक की खबर दो मुझे, क्या हुआ बताओ। गुलजार खातून के बारे में अफसोस है कि अच्छी खबर नहीं है शहजादे। खातून ने सबके सामने एतराफ करने के बजाय अपनी जान दे दी। पाशा मोहतरम ने आका को सूरत हाल से आगाह कर दिया, लेकिन आका ने एतबार बिल्कुल नहीं किया। अगर वो एतबार कर लेते तो मुझे हैरत होती। उसे कब तक भेजेंगी शिफाखाने मलिका? इंतजार करने की जरूरत नहीं, तैयारी करो, आज रात भेज दिया जाएगा। आपका जो हुक्म मलिका। अब कैसे है वो, कुछ बेहतरी आई क्या? हकीम इलाज कर रहे हैं, उसकी हालत ठीक नहीं है मलिका। मलिका, मुनासिब समझे आप मत जाएं। वो खुदा जाने क्या कर बैठे। नहीं, मैं खुद जाकर देखना चाहूंगी।
उसने बरसों हमारी खिदमत की है। आका, हुरम सुल्तान तशरीफ लाई हैं। मलिका, माजरत चाहता हूँ, आका ने आपको कमरे में वापस जाने का हुक्म दिया है। तुमने तो बताया था वो तन्हा है। वो तन्हा ही है मलिका। पाशा मोहतरम, फ्रांस के सफीर मोसियो फोरे तशरीफ लाए हैं। इफ्तार के बखैर तो है, भेज दो उन्हें, क्या मसला है देखते हैं। वजीर आजम मोहतरम, मुखिल होने के लिए माजरत चाहता हूं। मोसियो फोरे फरमाइए। हमारी दोस्त रियासत फ्रांस के सफीर को यहां देखकर हमें खुशी हुई। पाशा मोहतरम, जिस किताब का आपने फरमाया था बिलाखिर वो पहुंच ही गई। अगर इजाजत दें तो आपको पेश करना चाहूंगा। और तुम इब्राहिम, तुम कैसे मरोगे, कभी सोचा है तुमने? आपका दोस्त रहकर मेरे आका, आपका ब्रादर रहकर, आपका हमसफर रहकर मरना चाहता हूं।
यह है, मकियावेली की बदनाम जमाना एक लांती किताब। लानती किताब, मैं किसी को एक किताब से इतना खौफजदा आज पहली दफा देख रहा हूं। क्या कहेंगे खिजर खैरुद्दीन पाशा? कहा जाता है कि यह किताब एक शैतान की तस्नीफ है पाशा। देखिए जरा क्या लिखा है शैतान ने इसमें। इब्राहिम पाशा, अजीम तुर्क लश्कर जर्रार के सालार आजम का रुतबा मैं तुम्हें अता करता हूं। इस ओहदे के सबब मैं आपसे करीब हो गया हूं आका। इब्राहिम पाशा, मैं चाहता हूं तुम ये दरबार में सुनाओ। जब तक मेरे जिस्म में ये जान है इब्राहिम पाशा, मेरी इजाजत के बगैर हर तरह के इकदाम करने के इख्तियारात रखते हैं। सबकी तरह तुम सुनो और समझो बात करे। तुम्हारी जान मेरी अमानत है और इस फैसले से तुम्हारी खुद की तरह हिफाजत कर रहा हूं। चलिए मैं आपको बताता हूं कि मकियावेली ने क्या लिखा है। वो तुर्क सल्तनत का फ्रांस से मुवाजना कर रहा है, सुनिए। तुर्क सल्तनत पर फर्द वाहिद हुकूमत कर रहा है, दूसरे तमाम लोग उसके गुलाम हैं। वो सल्तनत में अपनी मर्जी से ओहदेदारों को तैनात करता है और अपनी मर्जी से तब्दील कर देता है। जबकि फ्रांस में बहुत से ओहदेदारों को खास मराहत हासिल है और लिखा है कि बादशाह वो मराहत नहीं छीन सकता। इस वजह से बादशाह की मुतलिकुल अनानियत को ललकारना बहुत मुमकिन है। फ्रांस पर हमला बासानी किया जा सकता है। तुर्क अगर हमला आवर होंगे तो फिर तमाम मुमालिक इसके खिलाफ महाज कायम करेंगे, लेकिन मैदान जंग में तुर्कों को शिकस्त देकर बादशाह से उसका तख्त छीन लिया गया तो फिर खौफ की वजह बाकी नहीं रहेगी। बाकी रहे आवाम तो उन पर काबू पाना आसान होता है। लगता है मकियावेली ने यह किताब लिखते हुए मुझे फरामोश कर दिया शायद। क्योंकि तुर्क सल्तनत की ताकत मैं हूं और जब तक मैं जिंदा हूं यह अजीम सल्तनत अपने कदमों पर खड़ी रहेगी। काजी साहब, मैंने तुम्हें बेआराम करने से मना किया था ना? जनाब आका तशरीफ लाए हैं। क्या? जल्दी अंदर बुलाओ, जल्दी। मेरे आका, ये इस्तकबाल आपके शायान शान नहीं है बिल्कुल भी। कोई बात नहीं, आप कैसे हैं उस्ताद चलेबी? आपकी सलामती के लिए दुआगो हूं आका। मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं? आफियत से होंगे अल्लाह के करम से। एक अहम मसले पे आपसे मशवरा करने आया था। आप हुक्म कीजिए आका, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं?
फिलहाल कुछ पानी पिला दें काफी होगा। सच कहते हैं वजीर आजम मोहतरम, हमारे शाह को जो मरात मिली वो भी आपके अजीम तावुन के तुफैल मिली। बिल्कुल बिल्कुल। मौसी मुलायजा करें, मैं क्या वली इंसानों को दो हिस्सों में तकसीम कर रहा है, तारीख जानने वाले और तारीख बनाने वाले। मैं तारीख बनाने वालों में से हूं, आप भी देखेंगे और आपका तमाम ईसाई आलम देखेगा कि हमारे सफरे अतालिया के बाद इस पूरे जहान में एक नया दौर शुरू होगा। सही है। आप क्यों परेशान हैं, ऐसा क्या मसला है? उस्ताद जलेबी, अरसे तवील से एक बात सोच रहा हूं और बिलाखिर एक फैसले तक पहुंचा हूं। यह फैसला मेरे बहुत करीब एक शख्स की आकबत का है, लेकिन मैं अपने तहरीर करदा फरमान के बायस अपनी तरह उसकी हिफाजत करने पर मजबूर हूं। आका मेरे साथ है, अपने तहरीरी हुक्मनामे के जरिए मेरी हिफाजत करते हैं वो, मुझे कौन नुकसान पहुंचा सकता है बताइए भला। मेरे फैसले के सबब नहायत महफूज एक शख्स की आकबत के लिए ऐसा क्या करना पड़ेगा कि उससे किया हुआ वादा भी पूरा हो जाए और मैं एक नए फैसले पर अमल भी कर सकूं। आका, अगर कोई एतराज ना हो तो वो नया फैसला क्या है मेरा ये जानना मुमकिन है क्या? फांसी। इसका कुछ हल बताएं उस्ताद जलेबी। मेरे आका, मुझे कुछ दिन की मोहलत दीजिए, मैं इस मसले पर कुछ गौर करना चाहता हूं। शहजादी, आप जाग रही हैं? अब तक मैं इंतजार कर रही थी, मैं जब आई तुम जा चुके थे। हम सब साथ तरावी के लिए गए थे। इफ्तारी अच्छी हुई होगी, आका कैसे थे, वो आए थे क्या? आका तशरीफ नहीं लाए हसीना। क्यों, क्यों नहीं आए वो? कोई मालूमात नहीं मुझे, इस तराहत का फरमा रहे थे। कितनी जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। क्या कर रही हो सब यहाँ, सर्दी नहीं लग रही तुम लोगों को क्या? चलो 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 चलो। बाताब, सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। आका,
खड़े हो जाओ। मैंने कहा खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, जल्दी। नाम क्या है तुम्हारा? तुम्हारा नाम पूछ रहा है। नाम बताओ बच्चे, जबान नहीं है क्या? नाम क्या है? मैं हूं इब्राहिम, पारगा के माहिकीर मानोलीस का बेटा। बेनेडिक्ट सोफिया में पैदा हुआ। मेरी माँ बैम्बिनो से, बाप कुकला मूसू से। पारगा से 10 बरस की उम्र में अजाबी जलावतनी भुगतने वाला इब्राहिम। मेरा क्या नाम था, मादरी जबान क्या थी, सब भूल गया। भूलना आजादी है, वरना वो नाम हमेशा जहन पर गुंदा रहते। याद रहती वो जमीन जिस पर चलना सीखा। मैं हूं इब्राहिम, मुराजियत अजीम शहर। इंसान लौटकर कहां जा सकता है? क्या मेरे लिए ऐसी जगह है कोई? वापसी के माने क्या है? क्या ये मुमकिन है, या फिर मुकद्दर में सिराते मुस्तकीम पर चलना ही लिखा है? कहीं बहुत आगे क्या लौटने वाली जगह वहां है जहां ठहरा हूं? क्या मैं देख सकता हूं? दिल वापसी के ख्याल से मचल उठता है। जो राहें मैं कभी नहीं भूल सका, उन्हीं राहों से गुजरते हुए क्या मैं अपने गांव लौट सकता हूं? कहीं ऐसा ना हो कि वो राहें मुझे पहचान ना सके, मेरी मिट्टी मुझे शनाख्त ना कर सके। क्या पता उन सब के लिए मैं एक अजनबी बन चुका हूं। जा रहा हूं, कोई मसला है क्या? तुम्हें बताने के लिए एक जरूरी बात है। शाह सुल्तान से बात हुई थी। हुरम ने जो किया, मैंने उन्हें आगाह किया था। मुझे मालूमात है इसकी। हाँ, लेकिन जैसे उनको परवाह ही नहीं। मैंने उन्हें हमारे साथ रहने के लिए कहा था, लेकिन कबूल नहीं किया उन्होंने। यह आपका मसला है, मुझे शामिल न करें, यह कह रही थी वो। शाह सुल्तान? हाँ, बहुत अजीब सूरत हाल है। लगता है हुरम ने उन्हें अपने जाल में फंसा लिया है। आ जाओ हुरम। खुश आमदीद। शुक्रिया शहजादे, शुक्रिया। क्या आपको पसंद आया अपना कमरा? अगर कोई जरूरत हो तो बताएं। हर चीज का ख्याल रखा है तुमने हुरम, जरूरत हुई तो बता दूंगी। आज शाम इदारे में दी हुई दावत में शरीक होंगी मैं। अगर आप चाहें तो मेरे हमरा चल सकती हैं। सवाब के कामों में मसरूफ रहना बहुत अच्छा है, मैं बखुशी चलूंगी। मेरे बारे में लोग मुख्तलिफ बातें करते हैं, जादूगरनी, चलाक, बल्कि मेरे सर के पीछे भी एक आंख है ये भी कहते हैं लोग मुझे। मैंने भी देखा मगर नजर नहीं आई। ऐसी बातों पर कान ना धरे आप, मेरा साथ दिया है आपने और इसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूं। फलदार दरख्त जमीन की तरफ झुकता है। बातें करने दो, छोड़ो, जिसे जो कहना है कहता रहे, पर तुम इंसाफ और हक से पीछे ना हटना कभी भी। शुक्रिया शहजादे।
आज शाम के लिए मैं खबर भिजवा दूंगी आपको। शहजादी, ये सुबह आपका इकबाल बुलंद करे मेरे आका। तुम्हें सुबह बखैर इब्राहिम। आओ। वो मस्कूरा किताब बिलाखिर मुझे मयसर आ ही गई, आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। कौन सी किताब? द प्रिंस मैकियावेली की। आका कल शाम की दावत पर आपका इंतजार किया लेकिन आप तशरीफ नहीं लाए, मैं फिक्रमंद रहा। आफियत से होंगे आप, खुदा के फजल से। कुछ वक्त अकेला रहना चाहता था। आओ बैठो। फैसले के सबक नहायत महफूज एक शख्स की आकबत के लिए ऐसा क्या करना पड़ेगा कि उससे किया हुआ वादा भी पूरा हो जाए और मैं एक नए फैसले पर अमल भी कर सकूं। अबू सऊद साहब। कहो खातून, कहो। हुरम सुल्तान आज शाम फलाही दारे की इफ्तार की दावत में शिरकत करेंगी, वो मुझे भी वहाँ देखना चाहती हैं। मैं जानता हूँ खातून, तकरीब के बाजार में इनेकाद के लिए जितना हो सका मैंने तावुन किया। वहाँ सिर्फ बच्चे और खवातीन मौजूद होंगे। ये खुशाइंद बात है कि मलिका बहुत फराख दिली से काम कर रही है। आला है ये आला। खैर तो है साहब, आप ठीक तो हैं? मुझे क्या हो सकता है खातून, क्या हुआ? शब गुजर गई, आप अभी तक मुताले में मशगूल हैं। रोजे की हालत में इतना ज्यादा काम मत करें आप। जरूरी काम है खातून, इसमें मशगूल हूं। चलो जाओ। मौसियो फोरे तो इस किताब को छूना भी नहीं चाहता है आका। उसके कहने के मुताबिक यह किताब शैतान ने लिखी है। मोहब्बत खौफ से बदर जहां बेहतर है या फिर खौफ मोहब्बत से? इब्राहिम, कौन सी चीज ज्यादा मुनासिब है? मुश्किल सवाल है, इसलिए कि बाज औकात दोनों ही कैफियत होती हैं। मैकियावेली के मुताबिक मोहब्बत और खौफ एक ही मकाम पर बिल्कुल नहीं रह सकते, लेकिन इन दोनों में किसी एक को तरजीह देने की जरूरत पड़े तो डरना मोहब्बत करने से ज्यादा बेहतर होता है। मुसन्निफ ने बजा फरमाया, बस औकात इंसान महफूज रहने के बजाय उल्टा मौत को तरजीह देता है मेरे आका। सुकून की मौत को हर कोई तरजीह देता है इब्राहिम, लेकिन क्या ऐसी कोई चीज है? क्या यह मुमकिन है? खास तौर पर हम जैसे मनसब और जाह के मतवालों के लिए इब्राहिम। आओ
आका हुरम सुल्तान तशरीफ लाई हैं। आने दो। मेरे आका, मुखल तो नहीं हो रही मैं? मुखल होना कैसा? आओ हुरम। इब्राहिम ने मुझे एक किताब तोहफे में दी है, इसके बारे में बात कर रहे थे। बहुत खूब आका, आज शाम इदारे की जानिब से खवातीन के लिए इफ्तार का एहतमाम करवाया है, आपकी इजाजत चाहती हूँ मैं। इजाजत है तुम्हें हुरम? कहाँ होगी इफ्तार? काजी साहब ने मशवरा दिया कि बाजार में करवाना मुनासिब रहेगा। उनका शुक्रिया, तैयारियों में बसाते खुद मसरूफ रहे, तआवुन किया। मेहरमा जाएगी क्या तुम्हारे साथ? हम साथ जाएंगे, क्योंकि वो इस इदारे को मुझसे ज्यादा तवज्जो देगी, उसे सिखाना है हमने। और हाँ, शाह सुल्तान भी हमारे साथ जाएंगी। आका, मेरे लिए कोई हुक्म नहीं तो इजाजत चाहता हूं। तुम जा सकते हो। फरमाइए पाशा मोहतरम। शाह सुल्तान से कहो कि मैं उनसे फौरन मिलना चाहता हूँ। जो आपका। तुम कैसी हो नूर बहार, कोई परेशानी तो नहीं तुम्हें? मैं ठीक हूँ शहजादे, जब तक आप मेरे पास हैं मुझे कोई गम कोई परेशानी नहीं। मैं चाहती हूँ कुछ देर और ठहर जाए मेरे पास। मैं यही हूँ खातून, मैंने बाद में इरादा बदल दिया था नूर बहार, रोकना चाहा था लेकिन देर हो चुकी थी। कल रात खौफ महसूस कर रही थी मैं, सख्त अजियत में गुजारी पूरी रात। कल रात? क्या ये सुबह नहीं हुआ था? जी नहीं, रात को हुआ था शहजादे। सब सो जाएं, खामोशी हो जाए, मेहरमा सुल्तान ने कहा था। शहजादी, आपकी निगाहों की वो ताबनाक ही, वो चमक मैं कभी फरामोश नहीं कर सकता। दुआ करता हूं अपने रब से मुबारक रमजान के महीने में मेरी दुआ सुन ले, रहम फरमाए मुझ बेचारे पर, और आपसे दोबारा एक बार और मिलना नसीब करे। शहजादे महमद मोहतरम। जमुरद आगा, तुम बाहर जाओ। महमद, क्या हुआ, कैसे आए? तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो क्या हुआ, तुमने गलत बयानी से काम लिया। भाई तुम पुरसकून रहो, तुम क्या बात कर रहे हो मैं नहीं समझी। मेरे साथ खेल नहीं खेलो मेहरमा, नूर बहार की बात कर रहा हूं मैं। मैंने जिस रात तुमसे बात की थी तुमने मुझे कहा कि अब देर हो चुकी है। मेहमत, हरगिज इनकार मत करना, तबीबा ने मुझे खुद बताया है। हाँ दुरुस्त है, झूठ बोला था तुमने, जब इरादा बदला तब तक खातून उसी तरह थी, मगर एक फैसला करने की जरूरत थी, या तो तुम्हारी गलती पे आंखें बंद कर लेती मैं, या फिर तुम्हारी भलाई की खातिर तसहीह करती तुम्हारी। तुम होती कौन हो तसहीह करने वाली, तुम्हें क्या हक पहुंचता है? मेहमत जज्बाती मत हो, ये करना बहुत जरूरी था, मैं तुम्हारे मुस्तकबिल का सोच रही थी। मत सोचो मेहरमा, तुम मेरी जगह कैसे फैसला कर सकती हो? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। आओ। शाह हुबान मोहतरमा तशरीफ लाई हैं पाशा। भेज दो। शहजादी। खैर तो है इब्राहिम पाशा, मुझसे मिलना चाहते थे, क्या मसला है? मसला हुरम सुल्तान है। मैंने सुना है कि यहां आने के बाद आप उनसे काफी करीब हो चुकी हैं। खजीना ने शायद शिकायत कर दी मेरी।
मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि इस नजदीकी का सबब क्या है, क्योंकि आप तो उसका नाम भी सुनना नहीं चाहती थी। ख्यालात बदलते रहते हैं इब्राहिम। नापसंद शख्स को पसंद किया जा सकता है, या फिर जो पसंद हो उससे नफरत भी की जा सकती है। और जैसा कि मैंने देखा है, हुरम अब हमारे खानदान के लिए कोई खतरा नहीं। वो कारी खैर में मशगूल है, अपनी औलाद की अच्छी तरह परवरिश कर रही है, आका से भी मोहब्बत करती है। उसके दिखावे से आप हरगिज धोखा ना खाएं। उसके खिलाफ हम सबको मुत्तहिद होना चाहिए। तुम एक बहुत अजीम वजीर आजम हो और बाइख्तियार भी। एक खातून पर काबू ना पा सके और मुझसे मदद मांग रहे हो तुम। मर्द सामने से वार किया करते हैं शहजादी, सामने से आप भी ये जानती हैं, लेकिन खवातीन ऐसा नहीं करती। वो छुपकर वार किया करती हैं हमेशा। किससे जंग कर रही हैं ये बात कभी इल्म में नहीं आ पाती। अगर ऐसा ही है तो मुझे समझाने के बजाय खवातीन से दूर रहो इब्राहिम। सुनिए शहजादी, मेरा मकसद कतन आपको समझाना नहीं था, क्योंकि आपको उसकी ना तो जरूरत है ना ही मैं जसारत कर सकता हूं ऐसी। मैं तो सिर्फ आपको। सिर्फ क्या इब्राहिम? लगता है मेरे लिए आपके दिल में जो मोहब्बत थी वो अब नफरत में बदल चुकी है। नफरत भी मोहब्बत जैसी ताकतवर होती है। तुम्हारे लिए इन दोनों में से कुछ नहीं और कभी हो भी नहीं सकता। और फिर यूं हुआ कि घनी घनेरी शाखों वाला बहुत बड़ा सा एक दरख्त शहजादे से मुखातिब हुआ। ए मुसाफिर, तुम कौन हो? ये बताओ कहां से आ रहे हो और कहां जा रहे हो? शहजादे ने जवाब दिया, मैं रास्ता भूल गया हूँ, अपना महल तलाश कर रहा हूँ। ये बात सुनकर दरख्त उस पर झुक गया और शहजादे को अपनी शाखों से उठा लिया। उसी वक्त शाखों पर बैठे परिंदे फड़फड़ा कर उड़ गए। उसके बाद दरख्त ने भी चलना शुरू कर दिया। और फिर पता है इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद शहजादे ने मलिका संभलाखा जहांगीर नासली, शहजादे को अंदर ले जाओ। लेकिन अम्मी, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। शहजादे, मैं शाम को दोबारा सुनाऊंगा आपको। संभलाखा मलिका, कुछ देर पहले मैंने शाह सुल्तान को देखा। इब्राहिम पाशा से बातें कर रही थी। पाशा उन्हें मेरे खिलाफ वरगला रहे होंगे यकीनन। सुंबल, तुम तो जानते होगे इब्राहिम पाशा से कैसे ताल्लुकात हैं उनके। क्या वो उन्हें मेरे खिलाफ कर सकेंगे? कसम ले ले मलिका, मेरा नहीं ख्याल। बहुत पहले की बात है कि क्या बताओ मुझे। मरहूमा वालदा सुल्तान के साथ मनीषा महल जाना हुआ था मेरा, और शाह सुल्तान भी हमारे हमरा थी। काफी अरसा वहाँ कायम रहा। इब्राहिम पाशा तब शाही बरदार कहलाते थे। वो दोनों तमाम दिन शाही बागीचे में गुजारते थे। वो ढेरों बातें करते और घूमते रहते थे बस, यकीन कीजिए।
माजी को याद करना इबादत है मेरे लिए, अपने गुनाहों को फरामोश करके उस मासूम दौर को याद करना, उसे कुरेदना, और अब मेरी जिंदगी कितनी तब्दील हो चुकी है, मगर मैं अपने माजी को याद कर रहा हूं। चलो आ जाओ मेरे साथ, चलो। मैं हूं इब्राहिम, ये पहन लो। मानोले इस्माइल का बेटा, सूफिया में पैदा हुआ, बारगाह में इस्लाम कबूल किया, 15 वर्ष की उम्र तक मां का चेहरा नहीं देख सका, आईने से दूर भागने लगा। मैं अपनी सूरत में अपने भाई की, मां की, बाबा की सूरत तलाश करने लगता था। मैं उसी तलाश में खो गया, लौट ना सका, भंवर में रास्ता नहीं मिल सका। मेरे कानों में मां का बजाया हुआ सास और उनसे सीखे हुए नगमे थे। मेरे बचपन से मां की गोद को छीन लिया गया, मेरे पास फकत यही मीरास बाकी रह गई। बात रख ली, इसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूं शहजादी। मुझे भी खुशी हुई हुरम, तुमने सैकड़ों फकीरों और मिस्किनों की दुआएं ली हैं। हर कोई तुम्हारी बातें करता था, खवातीन में तुम्हें एक नजर देखने के लिए कैसी धक्कमपेल हो रही थी। शहजादी, लोग मुझे अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, अभी मेरे बारे में कई अफवाहें फैली हैं। ये गलतफहमी दूर करने में वक्त तो लगेगा, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है, हर कोई जान लेगा कि मैं जादूगरनी नहीं हूं। शब बखैर तुम्हें हुरम। आपको भी शुक्रिया। मलिका, मैं अहमद से मिलना चाहती हूँ। सुंदर, तबीबा तुम्हारी सेहत के मुतालिक बता रही थी, एक दो रोज में तुम चलना फिरना शुरू कर दोगे। बस आप मेरा हाथ थामे रहिए, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। बा अदब मलिका। वालिदा, मुझे मालूम हुआ कि तुम यहां हो तो तशवीश हो रही थी मुझे। खातून को क्या हुआ है? कोई संगीन मसाला नहीं है वालिदा, बस ठंड लग गई है इसे। अपना ख्याल रखो। बहुत शुक्रिया मलिका, माजरत चाहती हूँ, उठ नहीं सकती। कोई बात नहीं, लेटी रहो। कोई मसला है क्या वालिदा? कुछ नहीं, बस तुम्हें देखना चाहती थी मैं। कल मुलाकात होगी शहजादे। नाजली। फरमाइए मलिका। जहांगीर कैसा है? शहजादे बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह से। ठीक है। नूर बहार खातून का इलाज तुम्हारे ही हाथों हो रहा है, ये सच है ना? मलिका मैं सच बताओ, आखिर उस खातून को क्या हुआ है? शहजादे ने जैसा फरमाया ठंड लगी है। झूठा बोलो तुम, सच बताओ। मुझे हकीकत बता दो, वरना तुम्हें महल से निकलवा के बाहर फेंकवा दूंगी मैं। वल्लाह मेरा कोई कसूर नहीं है मलिका, मुझे जो हुक्म दिया था मैंने वही किया है। तुम मुझे पूरी बात बता दो इसी वक्त।
खैर तो है इब्राहिम, कैसे वापस आ गए? कुछ कागजात रह गए थे, वो लेने आया था। आप और यहां? किताबों पर नजर डालने आया था, तुम्हारा साज देखा, काफी अरसे से सुना नहीं, क्या तुम नहीं बजाते अब? अम्मी से सीखी थी ये धुन, मैंने सही तरह से याद नहीं रही मुझे। जानता हूं मनीषा, मैं सुनी थी तुमसे, महल में तुमने पहले दिन बजाई थी। दुरुस्त फरमाया। आका, मौसम में बाहर में मनीषा चलते हैं, वहां चलकर पुराने दिनों को याद करते हैं। चलेंगे इब्राहिम, बाहर आने तो चलेंगे।
शहजादे। नूर बहार खातून कहाँ है? आज सुबह उन्हें ले गए शहजादे। कौन से कमरे में लेकर गए? वो महल में नहीं है शहजादे, भेज दिया गया है। क्या कह रही हो तुम खातून? किसने भेज दिया? हुरम सुल्तान ने भेजा है। खुदारा मेरी बात सुन ले। कतन अपनी जुबान मत खोलना महरमा, वरना अपना सारा गुस्सा तुम पे निकाल दूंगी मैं। क्या हो गया है वालिदा, मेरी कनीज को क्यों भिजवा दिया आपने? अपनी गलती नहीं जानते तुम क्या? मैंने कहा था ना तुम्हें। मेहनत, मुझे बहुत दुख हुआ है इस बात से, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं सिर्फ और सिर्फ उसे बचाना चाहता था वालिदा। पहले ही समझा दी गई थी ये बात तुम्हें। इसके बावजूद अगर मेरे पास आ जाते मैं रास्ता ढूंढ लेती कोई, लेकिन तुम दोनों ने मुझे बगैर बताए ये सब कुछ किया है। नूर बाहर कहाँ है वालिदा? वो ठीक है, फिक्र ना करो, लेकिन आज के बाद तुम कभी उसे नहीं देख पाओगे। खातून उम्मीद से नहीं है, मुझे मिलने की इजाजत दे। अगर तुम वाकई बड़े हो गए हो तो सुन लो, तुम्हें अपनी गलतियों की सजा भुगतने के लिए तैयार भी रहना होगा। अब तुम अपने कमरे में जाओ मेहमत, जाओ यहां से। वालिदा, मैं सिर्फ भाई को बचाना चाहती थी। तुम पहले अपने आप को तो बचा लो मेहरमा, तुम दोनों मुझसे पूछे बगैर अब कोई भी कदम नहीं उठाओगे, याद रखना। चली जाओ मेहरमा, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं कसम खाती मैंने नहीं बताया। क्या फर्क पड़ता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम अगर दखल न देती तो वालिदा को कुछ मालूम ना होता। और कितना छुपा सकते थे तुम? यहाँ से जाओ मेहमत। मैंने कहा जाओ, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। आका, अबू सऊद साहब तशरीफ लाए हैं। आने दो। मेरे आका, खुश आमदीद काजी साहब, आइए तशरीफ रखिए। सफीर से जो मुजाकरात हुए थे उसकी नकल आका को फरहम नहीं की थी क्या? जी मलिका, दे दी, वो मुताला कर चुके। तो फिर क्यों आका इब्राहिम पाशा से मिल रहे हैं अभी तक, जैसे कि कोई बात ही ना हुई हो? मुझे आका ने बुलवाया था, उसके मुताले के बाद वो मुझसे मजीद मालूमात मांगेंगे मेरा ख्याल था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोई और होता तो कब का सर कटवा चुके होते उसका, लेकिन इब्राहिम पाशा कुछ भी कर ले माफी मिल जाते हैं हमेशा उससे। आका, आपने जिस फैसले के हवाले से मशवरा मांगा था, मैंने उसका हल ढूंढ लिया है। क्या है वो? आपके फैसले के मुताबिक जिस शख्स को आपने अपनी अमान में लिया, उसका कत्ल सिर्फ एक ही सूरत में वाजिब हो सकता है। मैं आपको सुन रहा हूं। ये किताब मेरी असल रहनुमा है आका, मैं नाचीज वक्त मिलने पर इसका मुताला किया करता हूं। आपको इस मुबारक किताब से एक सूरत पढ़कर सुनाना चाहता हूं, इजाजत हो तो।
कल जब मैं आका के हमरा था नसू अफंदी, पहले की तरह बहुत देर तक हम गुफ्तगू करते रहे। न जाने क्यों मैं समझा था कि उन्हें खो दूंगा, खासतौर पर उस जहर देने वाले हादसे के बाद, लेकिन मैं गलत था। सुनकर खुशी हुई पाशा, इतने हादसात के बाद इसकी बहुत जरूरत थी। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तमाम दोस्त दुश्मन जान लें और याद रखें कि आका मेरे साथ हैं हमेशा की तरह। हमारे दरमियान कोई भी नहीं आ सकता। हमारी दोस्ती और भाईचारा अबदी है। सूरह जुमर की आयत नंबर 42 में फरमाया है कि अल्लाह वक्त मर्ग आने पर रूहें कब्ज कर लेता है। इस वक्त जो मरे नहीं हैं, उनकी रूहें नींद में कब्ज करता है। मौत का हुक्म देकर बास की मौत रोक कर उन्हें वक्त मुकर्रा तक आजाद रखता है, और जो फिक्र करने वाले हैं उनके लिए इसमें निशानियां हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सुबह की बेदारी के वक्त रूह को मेरे बदन में डालने वाले और नींद के दौरान रूह को मेरे बदन से निकालने वाले अपने रब का शुक्र अदा करता हूं, उसी ने नींद अदा की और सुबह को जिंदा उठाया। ये इरशाद फरमाने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि क्या जन्नती लोग नींद करते हैं? आपने जवाब दिया, नहीं। वहां नींद करना ऐसा है जैसे कि मौत। और इसके अलावा आपने फरमाया कि जागते रहना जिंदगी के मुतरादिफ है। क्या है इन सब के माने? आका, आप सोएंगे जागेंगे, सोया हुआ आदमी उम्र दुनियादारी से अपना हाथ खींच लेता है। नींद में गुम शख्स को किसी भी बात का जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, उस पर किसी किस्म का कोई भी इल्जाम आयद नहीं कर सकते, क्योंकि जिंदगी बेदारी के बाद शुरू होती है। मेरे आका, नींद में गुम शख्स दरअसल किसी बात का जिम्मेदार नहीं होता। इस तरह आप बेवफाई की सजा दे सकते हैं, और आपका है किसी भी सूरत खत्म नहीं होगा आका। इस वजह से अपने फैसले के मुताबिक आप जिस शख्स की हिफाजत करते रहे हैं, आप उसे सिर्फ नींद में गुम रहकर ही फांसी दे सकते हैं। पाशा मोहतरम। कहो मुस्तफा पाशा। पाशा, नातोलिया के सूबेदार लुत्फो पाशा तशरीफ लाए हैं। आखिर आ ही गए, अंदर लाओ। पाशा, मैं इजाजत चाहता हूं। ठहरो। वजीर आजम मोहतरम। लुत्फो पाशा, पाया तख्त में खुश आमदीद। आंखें आपकी राह देख रही थी। मैं वहां अपने काम बिल्कुल अधूरे छोड़ना नहीं चाहता था पाशा। आला, उम्मीद है सब खैरियत होगी। शुक्र है रब का, कोई मुश्किल नहीं है। लुत्फो पाशा, खुश आमदीद। शुक्रिया नसुआ फंदी। चलिए आका के पास चलते हैं, कब से आपके मुंतजर है वो। तशरीफ लाइए। अस्मा खान सुल्तान, खुश आमदीद। खुशी है कि रौनक बख्शी आपने। बहुत शुक्रिया फीफा खातून। हाय माशाल्लाह, कितनी बड़ी हो गई हैं आप, कसम से पहचान नहीं पाया मैं तो। कैसी हैं आप शहजादी? बिल्कुल ठीक हूँ मैं, आप सब कैसे हैं? आपकी सलामती के लिए दुआगो हैं शहजादी। आइए, वालिदा आपका इंतजार कर रही है। तुम कौन हो? आओ।
شہزادی کہیں عفیفہ خاتون اسما خان سلطان تشریف لے آئی ہیں خوش آمدید دختر شکریہ والدہ تمہارا سفر کیسا گزرا لمبا سفر تھا بہت کافی تھک گئی ہوں تمہیں بھی خوش آمدید مرجان آقا کچھ عرصے یہیں قیام رہے گا جیسے آپ کی خواہش ہو شہزادی عفیفہ خاتون مرجان آقا برسوں سے ہماری خدمت کر رہے ہیں حرم میں ان کے لیے کوئی مناسب جگہ منتخب کیجیے جیسا آپ کا حکم شہزادی شکریہ قاضی صاحب آپ جا سکتے ہیں جیسے آپ کا حکم آقا انشاءاللہ میرے مشورے سے کچھ فائدہ ہوگا آقا معذرت چاہتا ہوں میں سمجھا آپ تنہا ہوں گے ابراہیم آقا لطف و پاشا تشریف لائے ہیں اگر اجازت دے تو آپ سے ملنا چاہتے ہیں لے آؤ آقا خوش آمدید پاشا شکر ہے میرے رب کا کہ مجھے دوبارہ آپ سے ملنا نصیب ہوا میرے آقا تم کیسے ہو سفر اجم کے بعد ملاقات نہ ہو سکے واقعی درست فرمایا آپ کی سلامتی کے لیے دعا گو ابو سعود صاحب سے کیا شناسائی رکھتے ہو نام ضرور سنا ہے اتنے بڑے عالم سے ملاقات کرنا میرے لیے باعث شرف ہے میرے لیے بھی اعزاز کی بات ہے لطف پاشا بہت پیاری ہو تم اللہ تمہیں نظر بد سے بچائے بہت شکریہ ملکہ مہرما یہی ہے کیا اسے بھی ملنا چاہتی ہوں بالکل وہ اپنے کمرے میں ہے نازلی شہزادی کو اپنے ساتھ لے جاؤ یہ لو وہ خود ہی آ گئی مہرما اسما خاتون سے ملو آپ کا ذکر بہت سنا ہے واقعی کیا کہتے ہیں میرے بارے میں بہت خوبصورت ہیں یہ بتاتے ہیں سچ ہی کہتے ہیں آپ کے لیے ایک محل سارا مختص کر دی ہے لطف و پاشا وہیں قیام کریں گے آپ شکریہ آپ کا پاشا لیکن میں اپنی زوجہ اور دختر کے ہمراہ رہوں گا نہیں وہ یہاں رہیں گی حرم کی مہمان کے طور پر با ادب شہزادی آج ہم آپ کو لطف و پاشا کے ہمراہ اپنے محل میں کھانے پر مدعو کرنا چاہتا ہوں آپ کی تشریف آوری باعث مسرت ہوگی آقا بھی تشریف فرما ہوں گے ہم ضرور آئیں گے اللہ حافظ پاشا محترم شہزادی خوش آمدید اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں محل میں رہنے کو ہی ترجیح دوں گی جیسے آپ کی مرضی شہزادی تو پھر شام کو ملاقات ہوتی ہے مرجان آقا با ادب شہزادے مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں شہزادے محترم آپ کی آمد کا علم ہوتا تو تیاری کر لیتا پریشان نہ ہو زکا صاحب خانم جان کیسی ہیں زیادہ حرکت نہیں کر سکتی اب خانم لیکن صحت ٹھیک ہے شکر ہے ان سے ملنا چاہتا ہوں میں جی بالکل شہزادے آئیے آئیے تشریف لائیے خانم جان میں سلطان سلیمان کا بیٹا ہوں شہزادہ مصطفیٰ شہزادے معذرت چاہتی ہوں میں آپ بے آرام نہ ہوں شکار پر آیا تھا
गुजरते हुए सोचा मिल लूं, आपका हाल दरियाफ्त कर लूं। इज्जत बख्शी आपने शहजादे। सेहत कैसी है आपकी? उम्मीद है कोई परेशानी नहीं होगी। शुक्र है रब्बुल इज्जत का, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे सिवा हर शय वैसी ही है। काफी जमाना हो गया मुझे यहाँ इब्राहिम पाशा लेकर आए थे पहली दफा। उस वक्त मैं बहुत छोटा था, बहुत कम याद है मुझे। इब्राहिम पाशा कैसे हैं? सेहत ठीक होगी अल्लाह की फजल से। उमूर सल्तनत में मशगूल है, हमसे भी ज्यादा मुलाकात नहीं होती, लेकिन खबर मिलती रहती है। सेहत भी ठीक है, अपने अहले खाना के साथ हैं। इब्राहिम, जैसे कल की बात हो, वो यहां आए थे। कौन कह सकता था कि वो छोटा सा बच्चा एक दिन इतनी अजीम तुर्क सल्तनत का वजीर आजम बनेगा। अस्मा नूर, बागीचे में जाना चाहोगी? क्या दिल चाहता है तुम्हारा, बताओ पापा को। अम्मी। अम्मी बहुत दूर चली गई हैं, लेकिन उदास ना हो, एक दिन वो आएंगी और तुम्हारे पास होंगी। देखो तुम्हारे लिए क्या बनाया है। पसंद आया मेरी बेटी को? पानी मिठा लें इसे। ये अब तुम्हारी हुई।